बच्चों जैसे आप लोग अवकलन पढ़ चुके हैं, अवकलन पढ़ने के बाद जो है उसका किन किन क्षेत्रों में जो है कि अनुप्रयोग चल रहा है, इसके लिए आपको हर पाठ जो है मिल रहा है धीरे धीरे। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि परिवर्तनशील राशियों के बारे में अवकलज के अनुप्रयोग में, फिर दूसरी चीज आपको जो है दी गई थी वर्धमान और क्या है ह्रासमान। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्पर्श रेखा और क्या है अभिलंब। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का चाहिए क्या है, मैं आप लोगों ने जो है कि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से जो है कि स्पर्श रेखा के समीकरण जो है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे जैसे कोई आपने स्पर्श रेखा के बारे में सुना होगा, जैसे हाई स्कूल में आपने जो है वृत्त की स्पर्श रेखा खींचा होगा, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी बाह्य बिंदु से जो है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव है, खींचना संभव है। तो यह स्पर्श रेखा के बारे में जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है टच करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई वक्र है और किसी वक्र को के किसी अभीष्ट बिंदु में जब बिंदु लिया जाएगा बच्चों, तो इसका जो है यक्ष अक्ष भुज अगर हमने मान लिया एक्स वन और वाई अक्ष से कोटि क्या मान लिया वाई वाई वन है ना, तो यहाँ पे यह जो रेखा टच कर रही है इस वक्र को, ये वक्र आपका जो है परवलय भी हो सकता है, अति परवलय भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, कोई भी वक्र आपका हो सकता है ठीक है। तो उसकी स्पर्श रेखा जा रही है, इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बहुत ही आसान सा जो है कि करने में एक बार इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, तो वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता का सीधे फार्मूला आपको मैं बताता हूं है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता को आप जानते ही हैं, हमसे दिखाते हैं यम बराबर है, अगर स्पर्श रेखा का धन एक्स अक्ष झुकाव दिया है तब यम बराबर आप क्या ले सकते हैं टैन थीटा, और नहीं तो आप जो है यम बराबर क्या लेंगे कि डी डी एक्स आप वाई, आप पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन का वाई वन से जहां से होके जा रहे हैं उससे संतुष्ट कराएंगे डी वाई बाई डी एक्स करके, और यहीं से स्पर्श रेखा की प्रवण स्पर्श रेखा का समीकरण अगर पता करना चाहें तो आप जानते हैं कि अगर कोई रेखा जा रही है उसकी प्रवणता हमें मालूम है तो y माइनस वाई वन बराबर m इंटू यक्स माइनस यक्स वन होता है, ये रेखा कह दी थी ना। तो स्पर्श रेखा भी एक रेखा है ना, तो स्पर्श रेखा के समीकरण में m की जगह क्या रख सकते हैं, यह पॉइंट स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर m की जगह रख सकते हैं d dx ऑफ y x1 कामा y1 x माइनस x1, इस फार्मूले से आप स्पर्श रेखा का जो है समीकरण पता कर सकते हैं। अच्छा बच्चों ये तो स्पर्श रेखा का बहुत ही साधारण सा जो है फार्मूला होगा। अब मैं आपको बताऊं कि यदि दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो अगर वह प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु पर जो है वो एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर प्रतिच्छेद करते हैं, कि किसी कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसकी गणना करने के लिए हमें उन बिंदुओं पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं खींचनी होगी, अर्थात कितनी स्पर्श रेखा होंगी दो स्पर्श रेखा। यदि दोनों स्पर्श रेखा की प्रवणताएं हमें मालूम हो तो हम प्रतिच्छेदन कोण पता कर सकते हैं, यदि प्रतिच्छेदन कोण जो है दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण दो वक्रों का प्रति छेदन कोण थीटा बराबर टैन इनवर्स यम वन माइनस यम टू बटा में वन प्लस यम वन यम टू, जहां यम वन पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता और यम टू जो है दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की क्या है प्रवणता है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे दो वक्रों के प्रच्छेदन कोण आपको मालूम हो गया, यदि दोनों वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो समांतर हैं अर्थात वक्र जब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वक्र जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं स्पर्श
स्पर्श करते हैं तब यम वन बराबर क्या होगा, यम टू। सेकेंड कंडीशन है कि जब वक्र एक दूसरे को दूसरे के लंबवत प्रक्षेप करते हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, तब दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा स्पर्शियों की प्रवणताओं का गुणनफल जो है वो माइनस वन के क्या होता है, बराबर होता है। और तब प्रश्न में ये प्रूव करने के लिए सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र जो है कि एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसका आसान सा तरीका है कि पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, फिर दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, दोनों प्रवणताओं का गुणनफल यदि माइनस वन के बराबर हो गया तो वहीं से सिद्ध हो जाता है कि दोनों वक्र एक दूसरे को जो है लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, अब स्पर्श रेखा के बाद आपको मैं अभिलंब पे लेके आता हूँ। देखिए ये तो पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर हम इससे जो है 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लंब खींचे, तो यह लंब अगर हम खींच रहे हैं बिंदु P पे, यह स्पर्श रेखा का भी लंब होगा। तो जब लंब होगा इसकी प्रवणता अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता यम बराबर क्या होगा, माइनस एक बटा में डी डी एक्स आप क्या है वाई एक्स वन कामा वाई वन। अब यहीं से अभिलंब का आप समीकरण भी पता कर सकते हैं, अभिलंब का समीकरण वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस एक बटा में डी डी एक्स आप क्या है वाई ऑफ एक्स वन कामा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, यह अभिलंब का समीकरण है। इन्हीं पे आधारित पूरी प्रश्नावली आपको जो है मिलेगी, और आज के लिए हम आपको जो है एग्जाम्पल सीरीज भेज रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रॉब्लम जो है स्पर्श रेखा का अभिलंब का जो है बताया जाएगा।